जय हिंद भाई सभी को। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से एसएससी जीडी की, तो उनमें से कई बच्चों के इस समय मन में आ रहा होगा कि अपना सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। ये वीडियो आपकी मदद करेगा एसएससी जीडी में अपना स्कोर फाइनल करने के लिए कि आपको कम से कम कितने नंबर टारगेट करने चाहिए, और इस समय नंबर टारगेट करके ही तैयारी करनी चाहिए क्योंकि आपके पास में आखिर के 15 दिन का समय बचा है। तो अगर राजस्थान की हम बात करें, पिछली कट ऑफ सबसे पहले देखो, पिछली बार फिजिकल की जो कट ऑफ गई थी हाईएस्ट वो थी 114 नंबर, ये ओबीसी कैटेगरी की थी, ध्यान रखना, ठीक है, फिजिकल की। और लोवेस्ट गई थी वो गई थी 91, ये थी एसटी कैटेगरी बॉर्डर एरिया लड़कियों की, ये ध्यान रखना। तो अगर कोई लड़की है तो पिछली बार इतनी गई थी बॉर्डर एरिया की, सामान्य की नहीं, बॉर्डर एरिया की बात कर रहा हूं मैं, और एसटी कैटेगरी की सबसे कम से कम, ज्यादा से ज्यादा गई थी 114 नंबर फिजिकल की कटो। फिर मेडिकल के लिए जब फिजिकल हो गया था बच्चों का, मेडिकल की लिस्ट जारी हुई थी, आपको पता यहां पर 10 गुना बच्चों को पास करते हैं, फिर यहां से 3 गुना जब बच्चों की लिस्ट जारी हुई थी तब ये 7 अंक बढ़ गई थी जनरल कैटेगरी और ओबीसी की। अगर हम बात करें जनरल और ओबीसी की कितनी गई थी 121, और ये कितनी बढ़ गई थी, ये भी लगभग 7 अंक बढ़ गई थी बॉर्डर एरिया से लड़कियों की भी, ठीक है। तो गर्ल की जो ओबीसी गर्ल की रही थी वो लगभग मान के चलो 107-108 के आसपास रही थी, लड़कों से थोड़ा सा ही नीचे रही थी। फिर जो फाइनल मेरिट गई थी राजस्थान से वो बीएसएफ की गई थी 126, ठीक है, बीएसएफ की 126, यानी जिसके 126 नंबर थे उसका पिछली बार सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार आपको कितना टारगेट करना चाहिए, इस बार अगर आप राजस्थान से हैं, अगर जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से मान के चलो, तो आपको कम से कम राजस्थान से 130 नंबर का टारगेट बनाना ही चाहिए, क्योंकि आईटीबीपी की 129 गई थी पिछली बार, सीआईएसएफ की 137 गई थी, सीआरपीएफ की 135 गई थी। अगर आप टारगेट बनाना चाहते हो तो आपको 130 नंबर को टारगेट बनाना चाहिए, अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी से हो, ध्यान रखना, ठीक है, ओबीसी और जनरल कैटेगरी से हो। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, लड़की की बात कर रहा हूं, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका टारगेट लगभग 120 से 125 नंबर का होना चाहिए, कम से कम 120 तो होना ही चाहिए। अगर आप लड़की है राजस्थान से है तो आपका टारगेट 120 नंबर का होना चाहिए, अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी से हैं 120 नंबर का टारगेट होना ही चाहिए आपका, ध्यान रखना। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 118 या 117 के आसपास अपना टारगेट कर सकते हो, ठीक है, इतना नंबर आपको लाने पड़ेंगे तभी आप अपना फाइनल सिलेक्शन मान सकते हो, ठीक है। और जो आदमी की तुम आवाज सुन रहे हो वो आदमी ये है, ठीक है, ये नीचे कर रहा है उलू उलू, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, कम से कम इतने नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे तभी आप सेफ हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।